अपना भी डांस करता है। वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इतने से ही निकल जाओ ना, तो सुबह का टाइम है। मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और अपना जो सुबह वाला रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्या कैसे कर रही हूँ। फिलहाल मैं बाहर आई हूँ। बाहर मुझे ना बहुत सुकून मिलता है, एकदम हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा आती। इवन कितनी भी गर्मी हो, सुबह जब मैं बाहर आती हूँ ना तो हल्की हल्की सी ना ठंडी ठंडी सी हवा आती है। वो मुझे ना वो जो ठंडी गर्मियों में ठंडी ठंडी जो नेचुरल वाली हवा रहती है ना, वो फील लेने में बहुत मज़ा आता है। तो अपने मैं प्लांट्स आपको दिखाऊँ, बहुत सारे मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। दिखाऊँ ऐसे ना जाला टाइप के इनमें लग गए हैं, ये पूरे के पूरे ख़राब हो गए हैं। ना रहने का ये डिसएडवांटेज है। बेटो मेरे को ए उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर आओ, उधर नहीं जाओ, इधर आओ। उसको उस छत से जा करके सब देखना है, इसमें नहीं मजा आ रहा तुमको। इधर आ पाओ, आप इधर आओ। मंकी आएगा तो अभी तुमको उठा ले जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको मिर्ची और टमाटर, जो कि मिर्ची सबसे अच्छी कंडीशन में है। मेरे जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में सबसे अच्छी कंडीशन में सिर्फ मिर्ची ही है। बाकी टमाटर भी ठीक है, अभी मतलब चल रहा है, लेकिन बहुत सारी उसकी लीव्स ना सूख गई हैं। तो टमाटर लेकिन लगे हैं बहुत सारे, इतने बड़े बड़े से, लेकिन लीव्स काफ़ी सूख गई हैं। मिर्ची तो एकदम हरा भरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैंने तीन मिर्ची तोड़ लिया है और तीन मिर्ची अभी इनफ है, क्योंकि आजकल हम लोग खाने में ज़्यादा मिर्ची नहीं यूज़ करते हैं। बेटू को कोल्ड हो रखी है तो फिर उसको भी दिक्कत हो जाती है ज़्यादा, अगर तीखा हो जाता है खाना तो। खाने में ज़्यादा मिर्ची हम लोग डालते नहीं हैं। मुझे जब अलग से खाना होता है ना तो मैं ऐसी मिर्ची ले लेती हूँ, तो मुझे लगा चलो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ मिर्ची और ताज़ी ताज़ी मिर्ची खाऊंगी। अभी धूप बहुत तेज़ हो गई, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बैठूंगा। ए फिर इधर आओ, फिर चला गया। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चीज़ सैंडविच, बहुत सारी वेजीज डाल करके। तो इसमें मैंने नमक भी डाल दिया, थोड़ा सा जलजीरा ऑरेगानो डाल दिया है और नींबू मिला दिया है। बस अच्छे से इसको मिलाने के बाद फिर ब्रेड के अंदर इसको फिल करेंगे। और ये ऐसे वाला ना सुबह सुबह खाने में बहुत सही लगता है। तो अभी सबसे पहले मैं ब्रेड में ये स्प्रेड लगा दूँगी और इसके बाद इसको अच्छे से पूरे ब्रेड में फैला दूँगी। और फैलाने के बाद जो मैंने वेजीज कट करी हैं उनको इसमें लगा दूँगी और इसके ऊपर से फिर मैं चीज़ लगाऊँगी और बटर से मैं सेकूँगी। तो जब ऐसे टाइप के सैंडविच बनाती हूँ ना तो फिर मैं घी का यूज़ नहीं करती हूँ, बटर ही लगा लेती हूँ। वरना ज़्यादातर सिंपल वाला जो सैंडविच बनाती हूँ ना, ऐसे खाली प्याज टमाटर या फिर आलू वाला, तो फिर मैं घी से ही सेकती हूँ, क्योंकि घी का भी ना अलग टेस्ट होता है। बटर का थोड़ा सा टेस्ट अलग रहता है, घी का अलग रहता है। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि मुझे घी का टेस्ट ही अच्छा लगता है।
सकता है, बट आज मैं बटर से ही सेकूंगी। तो मैंने चीज़ की पूरी स्लाइस ऊपर लगा दिया है। ये मैं आपको दिखाऊं सैंडविच बनकर के रेडी हो गई हूँ और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती ना खाने में। तो अगर आप लोग ऐसी टाइप की सैंडविच नहीं बनाते ना, तो एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वाली ना उद्धू को भी पसंद आती हैं। अभी अब मैं साफ सफाई वाले अभियान में लग गई हूँ, क्योंकि घर इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है ना कि बस देखकर कैसा फील हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले इसको पूरा सेट करना है जितना सामान फैला हुआ है, इसके बाद ही फिर आगे कुछ करना है। क्योंकि घर जब सेट रहता है ना, तो अच्छी बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, वरना अभी ऐसे इतना फैला फैला सा देख करके ना लग रहा है अरे बाप रे बाप कहाँ आ गए। और ये ही बस अकेले थे बट फिर भी इतना फैल गया। वैसे हम लोग जब गए थे तब भी पैकिंग वैकिंग के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैल गई थी, फिर वो तब से वैसी वैसी ही पड़ी थी, क्योंकि इनसे ऐसे टाइप की कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते हैं। आंटी लोग आती हैं बट उनको वही है ना, उतना समझ में थोड़े ना आता है कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है कहाँ नहीं, वो तो मुझे खुद ही बताना पड़ता है। और इसके सारे टॉयज ना मैंने ऐसे रखवा दिया है, अभी ये मतलब बहुत ना के बराबर हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं, कुछ टेबल में हैं, कुछ बाहर डाइनिंग टेबल में हैं, ऐसे ऐसे करके ना अलग अलग जगह पे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे ना एक बड़े से झूले में इसका बनाती हूँ, तो देखती हूँ कहाँ रखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो सब इधर उधर पड़े हुए हैं, मन कर रहा है ना खाने के बाद कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन नहीं, अभी अगर रेस्ट करने लगी ना तो आंटी भी चली जाएंगी और प्लस सामान भी फिर वो वैसे वैसे पड़ा ही रह जाएगा। मुझे ना आज नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों, सुबह से ही अभी ना आलस वाले दिन आ गए हैं। जब थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है ना तो बहुत आलस वाले दिन आ जाते हैं, आप थोड़े से भी कुछ खा पी लेते हो तो मन करता है लेट जाओ सो जाओ, ऐसे वाला होता है। मुझे पता है सबके साथ ऐसे होता होगा ना, गर्मियों के टाइम में, ठंडियों के टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव फील करना होता है, गर्मियों के टाइम पर हल्का सा लेजी लेजी सा फील करना होता है। तो अभी मैं चल रही हूँ, लग जाती हूँ, लगे हाथ कर लेते हैं वरना फिर वो पड़ा ही रह जाएगा। जी अपना टॉयज दे दो, रख दो यहाँ पर, रख दूं। भाई बहुत पिटाई होगी, तुम देख लो वाली ऐसे ऐसे पिट्टी पिट्टी होगी भाई, ऐसे ऐसे पिट्टी पिट्टी होगी। लो अपना ले लो, लो ये पकड़ो। टीवी में एकदम मस्त है, टीवी करके।
अंदर का मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं बाहर का डाइनिंग टेबल में जितना सामान फैला हुआ है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। और सबसे ज़्यादा ना उद्दू के टॉयज पूरे घर में पड़े रहते हैं इधर उधर, और इसके टॉयज भी ऐसे हैं ना कि कुछ घर गृहस्थी वाला भी मिक्स हो जाता है, टॉयज भी मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसको ना अपने टॉयज से ज़्यादा घर में जो चीज़ें रहती हैं ना लाइक चार्जर, छन्नी, कलछुल, ऐसे टाइप की चीज़ों से खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका गैस का वो पा जाता है ना, हाँ, जो लाइटर होता है जलाने वाला, वो इसको दे दो तो पूरे घर में लेकर के घूमेगा। रोटी सेंकने वाला चिमटा दे दो, तो ऐसे टाइप की चीज़ें इसको ज़्यादा पसंद हैं। अब जा करके धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हुई हैं, वरना अभी तक इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान उठा करके कहाँ पर रखूँ। तो जब स्टार्ट करना होता है ना तो ऐसे ही लगता है, फिर जब सेट हो जाता है ना तो लगता है कि हाँ चलो अभी सेट हो गया है। तो अब मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोग को ये जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है ना वो आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर आप लोग को ये मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।